बॉलीवुड की और अनकही कहानियों के लिए हिट द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम लहरे डायरीज। सावन कुमार तक का नाम जुड़ा है सौतन और सनम बेवफा जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों से। जब राजेश खन्ना का दौर खत्म होने को था तब सावन कुमार तक ने राजेश खन्ना को लेकर सौतन बनाई जो सुपर हिट रही। मैंने प्यार किया के बाद सलमान खान की शायद ही कोई फिल्म हिट कैटेगरी में गई हो, लेकिन सावन कुमार तक के साथ बनाई सनम बेवफा ने सलमान खान का करियर दोबारा ट्रैक पर ला दिया। लेकिन सावन कुमार तक के निर्देशन के करियर की शुरुआत हुई 1972 में आई फिल्म गोमती के किनारे से। सावन कुमार तक का टैलेंट मीना कुमारी ने परखा और उन्हें निर्देशन में उतरने की सलाह दी। इतना ही नहीं, उनकी फिल्म में काम भी किया। गोमती के किनारे सावन कुमार तक की पहली फिल्म थी तो मीना कुमारी की आखिरी फिल्म। इसके बाद उन्होंने अनिल धवन, नीतू सिंह को लेकर फिल्म बनाई हवस, जो कि ठीक ठाक चली। फिल्म के गाने काफी मशहूर हुए थे। मोहम्मद रफी का गाया गाना तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद काफी सुपरहिट रहा था। हालांकि वक्त के साथ सावन कुमार तक ने अपने निर्देशन में बदलाव नहीं किए और वे पिछड़ गए।